देखिए आप लोग कितनी तेज हवा चल रही है, आप देख हाँ सकते गाय हैं। पेड़ आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो ये पेड़ ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं मौसम की बात करूँ तो हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और देखिए वो ये देखिए चिड़िया है यहाँ पर, ये चिड़िया दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है। देखिए आप पेड़ से देख सकते हो कि क्या मतलब कि किस तेज हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो आप देख सकते हो बादल, देखिए बादल आपको अलग अलग बादल भी नजर आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर में। सो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। आई नो आप लोग बोलोगे, कई सारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो बोलते हैं कि दीदी डेली वीडियो डाला करो, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ और रीज़न मैं आपको जल्दी ही बता दूँगी। और बस प्रे कीजिएगा कि मैं जिस भी काम में लगी हूँ वो काम मेरा पूरा हो जाए और मैं जल्दी ही फिर आप लोगों को वो गुड न्यूज़ भी दे पाऊँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों से मैं कोई बात नहीं छुपाती हूँ। तो इसीलिए एंड मैं उन लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो लोग मेरे से आज तक जुड़े हुए हैं, आज तक मेरे दुख में सुख में हमेशा साथ देते हैं, मेरे लिए प्रे करते हैं, उनके लिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को प्यारे प्यारे जो मेरे कुछ कमेंट हैं मैं उनको नाम ले लेती हूँ। तो सबसे पहले है दीपिका, फिर है प्रीति और समृद्धि गोस्वामी, विप्र अग्रवाल, कल्पना चौधरी और आयशा। और आयशा का कमेंट था कि दीदी आप बहुत कम वीडियो डालती हो, आप डेली वीडियो डाला करो। तो मैं डाला करूँगी बट मैं थोड़ा सा जहाँ पर बिज़ी हूँ वो बिज़ी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए तो मैं जल्दी ही डेली वीडियो डालने वाली हूँ। और यहाँ पर ओम प्रताप भैया, ये भी मेरे हमेशा वीडियो देखते हैं और अभी से नहीं काफ़ी पुराने देख रहे हैं। और कई सारे जो कमेंट थे, अगर मेरे से बोलना रह गए हो तो सॉरी। तो इसीलिए ये कुछ कमेंट थे जो मैंने ना कुछ वीडियो से लिए हुए हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि मैं उन लोगों को पढूं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होती है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड रही बात, तो कई लोग मेरे को इस बात का ताने देख के जाते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं जिनके 4-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उनके 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। तो उनको देखकर हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हम ये सोचते हैं हमारे इतने आ रहे हैं ना, इतने लोगों में पसंद कर रहे हैं ना, वो भी बहुत है। और यहाँ पर मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने सोचा लाओ आज आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं टमाटर को कट कर रही हूँ और इसको कट करने के बाद मैं चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पर चॉपर में चॉप किया था क्योंकि उसे निकालना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पर सिंपल सा जो चॉपर में चॉप कर लूँगी बहुत ही जल्दी और आराम से, आसानी से ही मेरा जो भी है आराम से बन जाएगा। मतलब कि ये मेरी मटर पनीर है वो आराम से बन जाएगी, उसमें मुझे कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं क्योंकि ग्रेवी काफ़ी अच्छी बननी चाहिए मटर पनीर में, तो ग्रेवी अच्छी बनती है तो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब सॉरी क्या बोलते हैं खाने में। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ नान और यहाँ पर कुछ मैं चॉप कर लूँगी अच्छी तरीके से, मतलब इतना चॉप कर लेना एकदम बहुत पतला पेस्ट टाइप ही बन जाए, तो बहुत जल्दी पेस्ट बन जाएगा। और ये मेरा जो चॉपर है ये वंडर शेफ़ का है, आप लोग चाहें तो कोई भी कंपनी का ले सकती हैं, ये अच्छा है। ये मैंने 700 का लिया था, इसको मतलब 1 साल से तो ज़्यादा ही हो गई लेकिन अभी इसकी जो रेट है वो काफ़ी कम हो गई है। मैंने देखा था रेट 300 या 400 के करीब हो गई है। तो अगर आप अभी बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था कढ़ाई के अंदर, देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है और इसको अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। सब्जियाँ जितनी भी होती हैं ना मस्टर्ड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और में इतनी टेस्टी नहीं बनती, ये मेरा मानना है। फिर जो लोग जो चीज़ हम खाते हैं ना वो हमें उसकी आदत भी पड़ जाती है।
उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था हींग, हल्दी और यहाँ पर टमाटर, जो मैंने देखे कितना फाइन पेस्ट बनाया है ना। ऐसे ही फाइन पेस्ट आपको, अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर से बना सकते हैं, नहीं तो मिक्सर से बना सकते हैं। सो, यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरीके से मतलब टमाटर को डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से चलाऊँगी। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो चॉपर में मेरे जो टमाटर लग गए थे वो टमाटर ताकि इसमें हो जाए। और ये इतना पकाना है आपको कि इसमें ना ऑयल छोड़ने लग जाए और बबल्स काफ़ी अच्छी तरीके से आने लगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मलाई, यानी कि दूध की जो मलाई होती है वो मैंने डाली है, और आप दूध भी डाल सकते हो, मलाई भी डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है मैगी मसाला, जो मेरे पास बच गया था एक पैकेट। मैंने मैगी मंगाई थी उसमें से मैंने एक ही पैकेट यूज़ किया था, तो एक पैकेट बच गया था, तो वही एक पैकेट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने डाल दिया है, और उसको मैं मतलब खदकने यानी कि बबल्स आने तक मैं इसको वेट कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे ट्राईपॉड गिर गया था, मतलब कि उसका जो मोबाइल होल्डर था वो मतलब थोड़ा सा गिर गया था। और यहाँ पर जो मेरे जो मटर थी मैंने उनको पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, ताकि आराम से बॉयल हो जाए और बनने में काफ़ी ज़्यादा इजी, बनने में काफ़ी जल्दी बन जाए। और मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 लोगों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग बनाइएगा। यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया, जैसे वो खदक गई थी तो मैंने यहाँ पर मटर को भी ऐड कर दिया। मटर हमारी ऑलरेडी बॉयल थी तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर मटर पनीर मसाला भी ऐड कर दिया है, ताकि टेस्ट काफ़ी अच्छा आए, खाने में काफ़ी अच्छी लगे। और आप इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप मलाई या फिर दही एक चीज़ ऐड ज़रूर कीजिएगा, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। ये आप लोगों को पता है खाने में तीखी नहीं होती है, लेकिन क्या है ना कि इसमें जो कलर आता है ना वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट वगैरह में सब में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर फिर मैंने पनीर ऐड कर दिया है, और मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड करी है। सो, यहाँ पर प्लीज़ जो सांप वाले भैया आ रहे हैं तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा साउंड आए तो। तो देखिए ये मेरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, खाने में बहुत ज़्यादा यमी लग रही थी, और कलर भी बहुत अच्छा आया था। मेरे पास धनिए नहीं थे, आपके पास धनिए हो तो धनिए भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास धनिए नहीं थे सो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। तो ये देखिए मेरी जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो गई है। मैं इसको ढक दूँगी, और ढकने के बाद भी 5 से 10 मिनट खदकने दूँगी, ताकि आराम से ये मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाए, और खाने में काफ़ी ज़्यादा यमी भी लगे। तो यहाँ देखिए मैंने ना, मैं जो ले रही हूँ वो है मतलब कि पनीर को घिस के डालने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर घिसने वाला। तो यहाँ पर मैं डालने के लिए ले रही हूँ फाइनली, और यहाँ पर ये ऊपर से थोड़ा सा पनीर में क्रश करके डाल दूँगी, इससे टचअप बहुत अच्छा आ जाता है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पनीर की सब्ज़ी, या किसी की भी अगर हम थोड़ा सा टचअप दे देते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है देखने में, और जो पनीर है वो हमारे पर बैठ जाएगा, यानी कि जितने भी टुकड़े हम मुँह में लेंगे उतने में ये हमारे जाएगा ही। सो, यहाँ पर मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी है। अब मैं बनाऊँगी नान। तो मैंने नान के लिए मैदा को ऑलरेडी मतलब माड़ के रख लिया था, दही डालकर माड़ी जाती है नान की, मैदा आप ध्यान रखिएगा। दही डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल के मार लीजिए, और इसको एक तरफ हम लोग बेल लेते हैं, उसके बाद ऊपर पानी लगाते हैं। तवे को मैंने एक साइड गर्म होने के लिए रख दिया है, आपको अच्छी तरह से हीट होनी चाहिए उस पर। और ये तवा है मैं न्यू लेकर आई हूँ, शायद मैंने इसकी वीडियो भी डाली नहीं है, ये मैं न्यू लेकर आई हूँ अपने पैसे सेव करके, और ये सिर्फ मुझे 170 रुपीज़ में मिला है। ये फ्लैट तवा है, यानी कि ढोसा तवा है ये, और ये सिर्फ मुझे 170 रुपीज़ में मिला है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, और इसमें नान, डोसा, उत्पम या हम ऐसी चीज़ें आराम से बना सकते हैं। और जिसमें मैं डेली खाना बनाती हूँ ना गाइस, उसका जो हैंडल है वो ख़राब हो गया था, जिसके कारण से मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, इसलिए मुझे ये न्यू तवा बाय करना पड़ा, और ये मुझे काफ़ी कम रेट में मिल गया, तो मुझे मतलब बहुत खुशी भी हुई। तो यहाँ पर देखिए मेरी नान थोड़ी सी बन के रेडी हो गई है, और अब मैं इसमें लगा दूंगी घी। आप चाहे तो बटर लगा सकते हो, लेकिन जो मेरा घी है वो घर का है। सो, ये मेरी फाइनल प्लेट है, आप लोग देख लीजिए, मटर पनीर की सब्ज़ी, आम,
टमाटर, तरबूज। तो ये मेरी फाइनली जो प्लेट है वो रेडी हो गई है, आप लोग भी आइए और खा लीजिए। तो ये मैंने आज कुछ नया बनाया है ससुराल में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।